सो मच, बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो कंसर्न्स हैं ना हमारे जी, वो पांच हैं। नंबर वन कि खान साहब को सी क्लास में रखा गया है। नंबर टू कि उनको एक सेल में पाबंद किया गया है। नंबर थ्री उनकी मूवमेंट, उनकी वॉक के ऊपर पाबंदी है, उनको इजाज़त नहीं दी जा रही। नंबर फोर जो हेल्थ कंसर्न्स हैं हमारे कि महफूज खाना अभी तक उस दरख्वास्त के ऊपर फैसला नहीं हुआ। और नंबर फाइव ओपन ट्रायल, हम ये कहते हैं कि ये जो इन कैमरा प्रोसीडिंग चलाई जा रही है ये क्यों की जा रही है? ओपन ट्रायल किया जाए, क्यों ओपन ट्रायल नहीं किया जा रहा? क्यों अदालत को शिफ्ट किया गया है जेल के अंदर? जो फूट के खदशात हैं वो स्टिल इनफील्ड हैं। आज हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो पटिशन दायर करने लगे हैं जिसमें हमारी ये गुजारिश होगी कि दो महीने से उन्हें खाना दिया जा रहा है, तो जो उनके डॉक्टर हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, उनका ये काम है कि उनको इजाज़त दी जाए और जब खाने का प्रोसेस हो, चेकिंग वाला, फूड का, पानी का या कोई भी चीज़ जो है खान साहब को दी जाए, तो वो पहले एक प्रॉपर प्रोसेस हो, उसे चेक किया जाए, फिर खान साहब को दी जाए। नहीं हैदर, देखें बात यह है कि बदनीति ये थी, दो महीने बाद फैसला होता है अटक से अडियाला जेल का, और अडियाला जेल में उन्हें ऐसे तहरीक और ऐसे बंद सेल में कैद कर दिया गया है और उनके ऊपर उस तरह से सख्तियाँ, पाबंदियाँ लगाई गई हैं कि जो मेंटली तौर पर उन्हें एक लाइक इमरान रियाज टॉर्चर किया जा रहा है, और उनको पाबंद करके, उनको जो है हिरासा करके, मेंटली तौर पर उनके ऊपर जो है ये सारी जो सख्तियाँ हैं नाफिज की गई हैं, तो सिर्फ मकासद ये थे कि खान साहब को तोड़ा जा सके, खान साहब के ऊपर ये पाबंदियाँ लगा के। नहीं हैदर साहब, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं, क्या प्रूफ, क्या एविडेंस है आपके पास कोई इस हवाले से? जी एविडेंस है ना, उनसे मुलाकात हुई है और उन्होंने बड़ा वाजिया कहा है कि मैंने कोई फैसिलिटीज़ के हवाले से डिमांड नहीं की, मैंने इनसे सिर्फ एक बात की है कि मुझे वॉक करने की इजाज़त दी जाए। तो इन्होंने इनकार कर दिया है कि इन अल्फाज का वो कभी भी इस तरह से नहीं कहते कि मैं जो है इस कैद में मुझे डाला गया और मुझे इससे बाहर निकालो, मैं परेशान हो गया हूँ, मैं घबरा गया हूँ, या कोई भी उनके कंसर्न। हमेशा खाने के हवाले से पूछा जाता था तो वो वाजह तौर पर कहते थे कि कोई फ़र्क नहीं है, जो भी खाने में दें मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। लेकिन बात यह है कि हमें फ़र्क पड़ता है।